नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय मध्य प्रदेश में वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक के फॉर्म भरे जा रहे हैं और उसमें स्टूडेंट के मन में एक बहुत बड़ा डाउट है, कन्फ्यूजन है कि सर MP फॉरेस्ट गार्ड में कितने जिले चुनना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जब MP फॉरेस्ट गार्ड के फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुए थे, तब तक आप लोगों के मन में ये डाउट बिल्कुल नहीं था कि कितने जिले सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपको पता था कि MP फॉरेस्ट गार्ड में एक ही जिला सेलेक्ट करना है और ये रूल बुक में भी क्लियर लिखा है कि एक ही जिला सेलेक्ट करना है और यदि आप एक से अधिक जिलों के लिए आवेदन करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जब से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं तो वहाँ जो टिक हो रहे हैं, मतलब जो व्यापम का जो सॉफ्टवेयर बना है तो उसमें एक से अधिक जिला सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उन सभी प्रश्नों में दोस्तों जो आप मुझे कमेंट करके बार बार पूछ रहे हैं ना, तो उसका मैं आपको आज यहाँ समाधान बताने वाला हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है या कोई बहुत बड़ा कन्फ्यूजन नहीं है, इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन है, ठीक है। आप वीडियो पूरा देखना, और आदित्य सर, बिनर इंस्टीट्यूट वाले आदित्य सर ने भी एक वीडियो बनाया है और उन्होंने भी ये कहा है कि MP फॉरेस्ट गार्ड की जो रूल बुक है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि यदि आप एक से अधिक जिलों के लिए आवेदन करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा लिखा है। तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, ठीक है, वेट कर सकते हो आप एक दो दिन का, ठीक है। मतलब फॉर्म भरने के लिए भी 8 तारीख तक डेट है, ठीक है, और संशोधन के लिए 13 तारीख तक डेट है, ठीक है। तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो फॉर्म भरने में, यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है। और यदि आपने फॉर्म भर दिया है तो फिर ये वीडियो मेरा देखना, ठीक। तो आदित्य सर ने कहा क्या क्या कहा है उसका वीडियो मैं आपको लास्ट में इसके दिखा दूंगा, 3-3.5 मिनट का वीडियो है, वो भी लगा दूंगा। और मैं भी 3.5-4 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक, लेकिन आपके पूरे सवाल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो, पहला सवाल है दोस्तों कि कितने जिले चुनना है। देखिए, जब MP फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुए थे, तब तक तो आप ये पूछ रहे थे कि कौन सा जिला सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्यों पूछ रहे थे आप ऐसा? क्योंकि आपको पता था ना कि एक ही जिला सेलेक्ट करना है और ये चीज़ रूल बुक में भी लिखी है। तो भाई मुझे बताइए कि आप एक से अधिक जिला सेलेक्ट क्यों कर रहे हो, पहली सवाल, ठीक है। जब रूल बुक में क्लियर लिखा है कि एक से अधिक जिला सेलेक्ट नहीं करना है, और जो MP ऑनलाइन में दोस्तों ऐसा कहीं लिखा है कि आप एक से अधिक जिले सेलेक्ट करो या बरीदा कम दो, ऐसा कहीं नहीं लिख रहा, वो तो सिर्फ टिक हो रहा है, इसी का ये विवाद बन रहा है, ठीक है, इसी के कारण आप कन्फ्यूजन में हो रहे हो। ऐसा कहीं लिखा है कि फॉर्म भरते समय कि आप पदों की बरीदा कम दे दो, जैसा पटवारी में था। हुआ ये है कि अभी अभी हाल ही में पटवारी के फॉर्म भरे गए हैं, पटवारी में जिलों का बरीदा कम देना था, तो MP ऑनलाइन वाले क्या कर रहे हैं, MP ऑनलाइन वालों को लग रहा है कि इसमें भी बरीदा कम देना है। तो MP ऑनलाइन वाले कुछ स्टूडेंट मुझे ये कहते हैं कि सर MP ऑनलाइन वाले ने सारे जिले सेलेक्ट कर दिए, तो भाई उसकी गलती है क्या उसमें? गलती तो आपकी है ना, MP ऑनलाइन वाले रूल बुक भरेंगे क्या? रूल बुक नहीं पढ़ते वो, ठीक है, उनको तो फॉर्म भरने से मतलब है, ठीक है। तो रूल बुक किसको पढ़ना है? आपको पढ़ना है ना, आप रूल बुक पढ़ो पहले। रूल बुक में क्लियर लिखा है कि एक से अधिक जिलों को आप सेलेक्ट करोगे तो आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों, जब आप फॉर्म भरते हो तो उसमें सबसे पहला पन्ना ये खुलता है कि आपने पूरा उसके रूल पढ़ लिए हो, नियम पढ़ लिए, उसके बाद आप आवेदन फॉर्म भर रहे हो। आपसे घोषणा भी करवाता है और वचन भी दिलवाता है, एक छोटा सा बॉक्स होता है उसमें टिक करवाता है, ये सब चीज़ें होंगी, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर एक है कितने जिले चुनना है, ठीक। तो देखिए, यदि आपने आवेदन फॉर्म नहीं भरा है तो आप एक दो दिन का वेट कर सकते हैं, और हो सकता है जो हमारे कर्मचारी चयन मंडल वाले हैं वो उसमें कुछ क्लेरिफिकेशन दे, कुछ स्पष्टीकरण दे, ठीक है, उसके बाद आप आवेदन फॉर्म भरना, ठीक है। और ज़्यादा दिन का वेट भी मत करना, बाद में सर्वर डाउन होने की प्रॉब्लम होती है, तो आप अभी दो दिन का और वेट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने YouTube में देखा था कि कुछ लोग गए हैं वहाँ और उन्होंने लिखित में दिया है, तो हो सकता है उसका कोई सॉल्यूशन आए। लेकिन अगर आपने फॉर्म भर दिए हो, एक से अधिक जिला सेलेक्ट कर दिए हो, तो आपको क्या करना है? आपको भी अभी लास्ट डेट कब तक है? 8 तारीख तक है, ठीक है। तो 8 तारीख तक का वेट करना है, ठीक है, क्योंकि संशोधन की तिथि आगे है, 13 तारीख तक है, ठीक है। तो 8 तारीख तक वेट कर लो, और उसके बाद दोस्तों फिर 8 तारीख के बाद आपने यदि एक से अधिक जिला सेलेक्ट किए हो तो मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ कि आप एक जिला सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ। बाकी आपको पूरा मध्य प्रदेश में कोई डायरेक्टली क्लियर नहीं बताएगा कि एक ही जिला सेलेक्ट करो, मैं कह रहा हूँ कि आपको एक ही जिला सेलेक्ट करना है, ठीक, क्योंकि रूल बुक में एक ही चीज़ लिखा भाई, ठीक है, कि एक से अधिक जिला सेलेक्ट करो कि आपका आवेदन फॉर्म निरस्त हो जाएगा। ऐसा कहीं उसमें आवेदन फॉर्म में ऐसा कहीं लिखा है या रूल बुक में लिखा है कि आप बरीदा क्रम दो? उसने तो क्या किया है, मैं अभी अब सब पॉइंट में आऊँगा, समझाऊँगा आपको, ठीक है। देखिए, वहाँ जब आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हो ना, तो वहाँ ऐसा एक वो आता है पन्ना, ठीक है, मैं पेन चेंज कर लूँ थोड़ा, ठीक है। कैसा पन्ना आता है देखिए, ऐसा आता है एक, है ना, ऐसा एक वो आता है फॉर्म, है ना, इसमें ऐसे कॉलम बने हुए हैं, ठीक। तो यहाँ 1, 2, 3 से लेकर 37 तक
ठीक, क्योंकि 37 जिलों में भर्ती आई है एमपी फरेशगढ़ की। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं लेकिन 37 जिले में ही पद है, ठीक है, 37। इसके बाद 38, 39 और 40 ऐसे कालम आते हैं। 38 नंबर क्षेत्र रक्षक का है, ठीक है, और 39 नंबर जेल प्रहरी का है, और 40 नंबर जो है सहायक जेल अधीक्षक का है, और बाकी ऊपर जो 37 है ये सब वनरक्षक के हैं। तो यहाँ हो ये रहा है कि आपने जैसे एक जिला सेलेक्ट कर दिए तो बाकी जिलों में भी हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब पीबी का सॉफ्टवेयर में मिस्टेक है या नहीं है हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि पीबी ने आपको ये तो ना कहा कि आप एक से अधिक जिला सेलेक्ट करो भाई, ठीक है, उसने तो अपनी सुविधा के अनुसार बना दिया है। हालांकि ये होना था कि वनरक्षक के एक जिले में क्लिक होने के बाद दूसरा जिला क्लिक नहीं होना था, ये एक ऑटो टाइप का सिस्टम रहना था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। थोड़ा सा कर्मचारी चयनमंडल जो है उनको इस सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा करेक्शन करना चाहिए, ठीक, मेरे अकॉर्डिंग बस ये होना चाहिए। तो एक ही जिला सेलेक्ट करना है, ठीक। बाकी इसके बाद दोस्तों आपको क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक, ठीक है, ये पद सेलेक्ट करना है। तो ये तीन, यदि देखिए अब दूसरा है पदों का प्राथमिकता क्रम, पहले ये समझ लो पदों का प्राथमिकता क्रम, फिर मैं आपको बताऊंगा उसका फंड। और देखिए चार पद है, कौन कौन से, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो पदों का प्राथमिकता क्रम में सबसे पहले आप सहायक जेल अधीक्षक को रख लो, ठीक है, इसके बाद वनरक्षक को रख लो, फिर क्षेत्र रक्षक को रख लो और जेल प्रहरी को रख लो, ठीक, ये मैं बता रहा हूँ। अगर मेरा छोटा भाई भी फॉर्म भरेगा, सगा छोटा भाई, तो मैं उसको ऐसे ही बोलूँगा, ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, मैं जैसा बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि आप बाध्य हैं उसके लिए, मैं सिर्फ सलाह दे रहा हूँ आपके बड़ा भाई होने के नाते या छोटा भाई होने के नाते, ठीक है। तो पदों का प्राथमिकता क्रम, यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप पहले सहायक जेल अधीक्षक को रख लो, फिर वनरक्षक को रख लो, फिर क्षेत्र रक्षक को और जेल प्रहरी को, ठीक है। परंतु अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो फिर आप वनरक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी इस क्रम में कर सकते हैं, ठीक है, और आपकी सुविधा अनुसार यदि आपको जेल प्रहरी बनना पसंद है तो जेल प्रहरी को पहला प्राथमिकता क्रम दे सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जिले में कैटेगरी में पदों की संख्या 0 है, ठीक है। अब देखिए आदित्य सर ने वीडियो बनाए हैं लेकिन उनमें एक बात बोला है कि यदि किसी जिले में किसी कैटेगरी में पदों की संख्या 0 है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा आदित्य सर के वीडियो में मैंने देखा। तो मैंने, मुझे लगा कि नहीं ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। देखो मैं आदित्य सर के खिलाफ नहीं बोल सकता, मैं भी उनका ही चेला हूँ, आज भी मेरे को कोई दिक्कत होती है तो मैं भी उन्हीं के मैथ्स के वीडियो देखता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है उनसे, ठीक। कैसा मिस्टेक हुआ मैं आपको बताता हूँ, देखो है ना, मान के चलो आपने कोई जिला सेलेक्ट कर दिए और उस जिले में आपकी कैटेगरी में पदों की संख्या 0 हो गई, ठीक है, तो फिर ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन तो होगा लेकिन कहाँ से होगा। देखो मैं एक जिले का उदाहरण लेता हूँ, बालाघाट का, ठीक है, बालाघाट का मुझे याद है कि बालाघाट में अनारक्षित, ठीक, बालाघाट जिले का उदाहरण ले रहा हूँ, ठीक, बालाघाट सबसे फर्स्ट जिला लिखा है जो पदों की लिस्ट बनी उसमें, बालाघाट में यूआर मतलब अनारक्षित, अनारक्षित कैटेगरी में दोस्तों, ठीक है, ओपन मतलब जिसको कहते हैं, इसमें 29 पोस्ट है, ठीक है, और एससी कैटेगरी की दोस्तों मात्र एक पोस्ट है, ठीक है। देखिए मान को चलो दोस्तों आपने किसी भी जिले से फॉर्म भरे जहां आपका पदों की संख्या उस कैटेगरी में 0 है, तो फिर आपका सिलेक्शन कहां से होगा मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका सिलेक्शन होगा अनारक्षित से। कहां से होगा? अनारक्षित से होगा, क्योंकि अनरिजर्व मतलब दोस्तों जनरल ट्रेन का डिब्बा, इसमें कोई भी बैठ सकता है, उसमें कोई भी उसकी पोस्ट खा सकता है, ठीक है, क्योंकि यदि जैसे वनरक्षक में आपको पता है ना कि मध्य प्रदेश के अलावा संपूर्ण भारत के स्टूडेंट्स में फॉर्म भरेंगे और नेपाल की प्रजा हो तो वो भर सकती है, ठीक, क्योंकि लिखा है रूल बुक में, है ना, तो अनरक्षित में सब अलाउ है, ठीक है। एक चीज अभी, एक चीज और बताऊंगा मैं आगे, है ना। तो देखो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ इस उदाहरण के माध्यम से कि मुझे ये बताइए, अगर एससी की यहाँ बालाघाट में एक ही पोस्ट है और अनरक्षित की 29 पोस्ट है, तो क्या ये संभव है, ये संभव है कि एससी का कट ऑफ जनरल से ज़्यादा जाएगा? बिल्कुल नहीं है। भली एससी की एक पोस्ट भी है लेकिन किसी भी कंडीशन में जनरल का कट ऑफ एससी से ऊपर ही रहेगा, जनरल का ही ऊपर रहेगा, एससी का कट ऑफ नीचे रहेगा। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ऐसे छात्र या अभ्यर्थी जिनके नंबर दोस्तों उस कट ऑफ को पार कर जाते हैं जो जनरल का कट ऑफ है, तो वो वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उसके बाद दोस्तों उनकी कैटेगरी में उनका सिलेक्शन नीचे वाले स्टूडेंट का होता है, ठीक है। मान के चलो दोस्तों जनरल का कट ऑफ जाता है हम फरेशगढ़ का पेपर की बात कर रहे हैं ना, तो मान के चलो जनरल का कट ऑफ जाता है कितना, जनरल का कट ऑफ जाता है मान के चलिए 100 में से 85, ठीक है,
और कोई ओबीसी का बंदा, एसटी का बंदा, एससी का बंदा और ईडब्ल्यूएस का बंदा अगर 86 नंबर लिया आता है, ठीक है, तो ये इसकी कैटेगरी से सिलेक्ट ना होके कहाँ चल जाएगा, ये इसमें चल जाएगा, इसमें जनरल में, समझ गए। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप जिस जिले से भी आवेदन कर रहे हो तो आपकी कैटेगरी के साथ साथ वहाँ जो अनरिजर्व अनरक्षित ओपन में जो पोस्ट है दोस्तों वो भी आपको वहाँ पर मिलेगी, ठीक है, ऐसा होता है ना। चलिए, क्योंकि मेरा जब सिलेक्शन हुआ था दोस्तों तो मैं ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ और ओबीसी कैटेगरी से, लेकिन हमारे समय में दोस्तों ओबीसी की पोस्ट नहीं थी मेरे टाइम में, तो मेरा सिलेक्शन वहाँ पर जनरल से हुआ था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद, ये हो गया पदों का प्राथमिकता क्रम भी बता दिया मैंने कि आपको पदों का प्राथमिकता क्रम ग्रेजुएशन है तो ये पहले सहायक जिला अधीक्षक भर लो, उसके बाद वनरक्षक, क्षेत्ररक्षक, जेल प्रहरी और आदि, आपको जो पसंद है तो उसको अपने हिसाब से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने ज़्यादा जिले सेलेक्ट कर दिए। देखिए, यदि आपने आवेदन फॉर्म भर दिया और ज़्यादा जिला सेलेक्ट कर दिया है तो आपको 8 तारीख तक का वेट करना चाहिए। कितने तारीख तक का? 8 तारीख तक का। हालांकि अभी एक दो दिन में कर्मचारी चयन मंडल को इसमें कोई क्लियरिफिकेशन देना चाहिए कि जिला सेलेक्ट करने की जो प्रॉब्लम हो रही है तो उसको एक अलग से स्पष्टीकरण दे देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम की डेट तो ये इतनी जल्दी बढ़ाते हैं, ठीक है, और कि उनमें समय नहीं लगता, लेकिन जब इस प्रकार का क्लियर, जब इस प्रकार का डाउट पूरे मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के अंदर है तो इस प्रकार के, और लिखित शिकायत भी हो चुकी है, ठीक है, जो दीप्ति एकेडमी है ऐसा कुछ है तो उन्होंने जाके वहाँ शिकायत की है, तो उस चीज़ में क्लियरिफिकेशन देना चाहिए उन्हें, ठीक है, कि एक जिला सेलेक्ट करना है, एक से अधिक जिला सेलेक्ट करना है। परंतु यदि आपने एक से अधिक जिला सेलेक्ट करके फॉर्म भर दिए हो तो आपको 8 तारीख तक का वेट करना चाहिए कि कोई करेक्शन ऊपर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसके बाद नहीं आता है दोस्तों तो 8 से 13 तक जो संशोधन की तिथि है उसमें आप जाके संशोधन कर लेना और वहाँ एक जिला सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि अगर बाद में दोस्तों कभी फॉर्म रिजेक्ट हुआ ना तो फिर आप आपकी भर्ती गई, ठीक है, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा फिर आप, ऐसा नहीं कि फॉर्म पूरा रिजेक्ट हो जाएगा, आपको सिर्फ वनरक्षक का पोस्ट नहीं मिलेगी वहाँ मेरे हिसाब से तो, ठीक है, सिर्फ वनरक्षक का पद नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप बाकी 3 पदों के लिए एलिजिबल रहोगे, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है, और ऐसा होना चाहिए। मान के चलो आपने एक से अधिक जिला सेलेक्ट कर दिए हो, ठीक है, तो आपका फॉर्म सिर्फ वनरक्षक रिजेक्ट होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है, और ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही कहता है कि सिर्फ वनरक्षक के लिए पदों की वरीयता क्रम मांगा है तो वनरक्षक के लिए ही आपका आवेदन फॉर्म निरस्त होगा, बाकी दोस्तों क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जिला अधीक्षक के लिए आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा और नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ और मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं फॉरेस्ट गार्ड हूँ और मैंने वन विधि पढ़ा है, ठीक है, तो वन विधि जो पढ़ा है मतलब जो फॉरेस्ट लॉ होता है ना, तो थोड़ा थोड़ा मैं लॉ की भाषा को जानता हूँ, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ भी बता रहा हूँ, है ना, थोड़ा थोड़ा नियम कायदे कानून जो होते हैं, अधिनियम जो होते हैं, नियम जो होते हैं, तो उसकी भाषा मैं समझता हूँ, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं आपको क्लियरिफिकेशन देता हूँ, ठीक है। और मैं MP फॉरेस्ट गार्ड की जब ट्रेनिंग में था दोस्तों तो MP जो फॉरेस्ट लॉ होता है, वन विधि जिसे कहते हैं, उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत ला जानता हूँ तब आपको ऐसी बात बताता हूँ। देखिए, फॉर्म रिजेक्ट होगा आपका ना तो सिर्फ वनरक्षक के लिए रिजेक्ट होगा, बाकी चीज़ों के लिए रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वनरक्षक के लिए उसने पदों की प्राथमिक वनरक्षक के लिए उस क्लियरिफिकेशन लिखा ना, लेकिन मैं ये कहा हूँ आपको कि संशोधन की तिथि में जाके आप संशोधन कर देना और एक जिला सेलेक्ट कर लेना, अभी थोड़ा वेट कर लो जब तक मंडल जो है आपका कोई स्पष्ट क्लियरिफिकेशन ना दे, ठीक। तो देखो भाई, मैंने आपको क्लियरिफिकेशन बताया, अच्छा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, आपने रूल बुक नहीं पढ़ा होगा तो अच्छे से पढ़ना, ठीक है, उसमें एक चीज़ जो लिखा है कि बेगा, भारिया, सहरिया जनजाति जो होती है दोस्तों मध्य प्रदेश में आपदा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा उन्हें प्राप्त है, ठीक है, तो उनका जो सिलेक्शन हो रहा है डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है, आवेदन फॉर्म भरना उनके और उनका आवेदन फॉर्म भरने के बाद उनका एग्जाम नहीं होगा और वो वनरक्षक के लिए डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए उनका एग्जाम देना पड़ेगा, जेल प्रहरी, सहायक जिला अधीक्षक के लिए, ठीक है। तो देखो, वो जो पोस्ट खाएंगे वो कहाँ की खाएंगे, उनके लिए कोई अलग से पोस्ट नहीं आई है, वो जिस जिले में भी आवेदन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ की एसटी की पोस्ट खा रहे हैं, कहाँ की पोस्ट खा रहे हैं, एसटी की। और रूल बुक में आप जाके देखना कि उसमें लिखा है कि यदि किसी कारणवश से बेगा, भारिया, सहरिया के कारण किसी जिले की एसटी शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति की पोस्ट समाप्त हो जाती है तो फिर वहाँ के अभ्यर्थी या जो स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन कहाँ से होगा, उस जिले की अनारक्षित कैटेगरी के खिलाफ वो करेंगे सिलेक्शन ले सकते हैं, ऐसा रूल बुक में लिखा है भाई, है ना, मैंने बेगा, भारिया, सहरिया वाला वीडियो बनाया हूँ, उसमें स्क्रीनशॉट ला के दिखाया हूँ, ठीक। तो अब आप समझिए कि इतना क्लियरिफिकेशन जो मैं दे रहा हूँ आपको, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आपको कौन देता होगा बताइए,
आपको यह भी पता नहीं होगा कि एसटी कैटेगरी में जो पोस्ट है, यदि बेगा भाई या सहरिया के कारण किसी जिले में बहुत कम पोस्ट आई है, 3-4-5, और मुझको तो ऐसा लग भी रहा है कि पोस्ट खत्म हो जाएंगी एसटी की, ठीक है, अगर बेगा भाई या सहरिया वाले जिले में वहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट आएंगे और आएंगी, ठीक है, तो वहाँ पोस्ट खत्म हो जाएगी, तो फिर वहाँ के एसटी को एसटी के जो कैटेगरी है, ठीक है, जैसे गौंड जनजाति के हो गया है ना, और अदर कैटेगरी जो एसटी में आते हैं, क्योंकि गौंड जनजाति जो होती है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में, वो विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, वो एसटी ही है, तो फिर उन स्टूडेंट को दोस्तों अनरक्षित अनरिजर्व कैटेगरी के विरुद्ध सिलेक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा मैं मन से नहीं बता रहा हूँ, रूल बुक में लिखा है, रूल बुक को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ, ठीक है, जितना ऐसा नहीं है कि हवा हवाई बता देता हूँ, और मेरा वीडियो सिर्फ एमपी फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल बनते हैं, आप ये मानते हो, ठीक है, तो एमपी फॉरेस्ट गार्ड की समस्या के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ना, तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिया हूँ, ठीक, इसके बावजूद भी दोस्तों आपके मन में कोई डाउट होगा, ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि अब डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक, क्योंकि कमेंट में मैं बार बार कितने जवाब दूंगा, ठीक। अच्छा, अच्छा तैयारी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो सिलेक्शन कितने नंबर में होगा, सिलेक्शन ये मान के चलिए दोस्तों कि सिलेक्शन, अच्छा मैं चलो एक चीज़ और टिप देना चाहता हूँ आपको, थोड़ी सी क्या देना चाहता हूँ, टिप्स, ठीक है, छोटा सा, देखो 5 सब्जेक्ट है ना, मैं सब्जेक्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, एक कैटेगरी डिवाइड कर रहा हूँ मैथ साइंस, गणित और विज्ञान, एक कर रहा हूँ भाषा वाली हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, और एक बात कर रहा हूँ जीके, मैं तो इस प्रकार से 3 कैटेगरी में बांट रहा हूँ, ठीक है, हालांकि मैंने सिलेबस बुक सब बता चुका हूँ और स्ट्रेटेजी भी बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा आपको, ठीक, मैथ साइंस, ठीक, इसमें दोस्तों एक चीज़ और कर लेना आप कि मैथ्स में क्या करना, 6 to 10 NCERT, ठीक है, और साइंस में दोस्तों 7 to 10 NCERT, ये भी कर लेना, क्योंकि अगर सहायक जिला अधीक्षक का पेपर इस बार जुड़ा है, इसका जुड़ा है सहायक जिला अधीक्षक का, और उसमें ग्रेजुएशन मांगा है, और अगर एक ही पेपर हुआ तो फिर आप सोच लेना क्या कहना चाहता हूँ मैं, पैटर्न चेंज हो सकता है थोड़ा, है ना, तो ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको, है ना, तो सहायक जिला अधीक्षक अगर जुड़ा है, ठीक, तो यहाँ सहायक जिला अधीक्षक जुड़ा है तो पेपर थोड़ा सा हो सकता है टफ आए इस बार, ठीक है, और टफ आए या इजी आए आपको तो कट ऑफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि इजी तो सब करते हैं, तो मैथ साइंस में दोस्तों आप किसी भी किताब से आपने पढ़ चुके होंगे, लेकिन आप, मैं आपको बता रहा हूँ तो मैंने उसमें कुछ रिसर्च किया है तभी बता रहा हूँ, ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन पेपरों को देखता हूँ मैं, और उसी के आधार पर आपको तथ्यात्मक बातें बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि वीडियो बना दिए, पटवारी का भी बना रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड का भी बना रहे हैं, जेल प्रहरी का भी बना रहे हैं, पीएससी का भी बना रहे हैं, ठीक है, और पता चला कि कुछ नहीं है, सिर्फ व्यू के लिए, नहीं, एमपी फॉरेस्ट गार्ड का मैं रिसर्च करता हूँ, सब चीज़ों को देखता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक, और ऐसा नहीं कि मैं पटवारी के भी नहीं बता सकता, सब बता सकता हूँ मैं भी, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड हूँ तो मैं अपने कैटेगरी के टॉपिक में वीडियो बनाऊँ, ठीक है, जिसमें मैं बहुत अच्छे से वीडियो बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, ठीक, चलिए, तो मैथ साइंस ये दो चीज़ आपको करना ही है एनी हाउ, ठीक, सिलेक्शन लेना है तो हिंदी इंग्लिश, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोस्तों मैंने बता चुका हूँ आपको टॉपिक कौन कौन से पढ़ना है, ठीक, उतना ही पढ़ना है ना, हिंदी इंग्लिश मैं तो दोनों किताबों के लिए आपको बोलता हूँ कि आप किसी भी किताब से पढ़ो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, जो सिलेबस बताया हूँ उसके अकॉर्डिंग, जीके एमपी जीके प्लस एमपी करंट अफेयर्स बस, ठीक, चलिए, इसके अलावा इंडिया जीके, भाई देखो इंडिया जीके यदि आपने पढ़ चुके हो तो ठीक है, और नहीं पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े होगे तो अभी एमपी जीके पढ़ लो, ठीक है, और एमपी का करंट अफेयर्स पढ़ लो, ठीक, बाद में एक दो दिन लूसेंट उठाना उसको भी पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन तो ऐसा नहीं होगा कि, देखो सिलेक्शन ऐसा नहीं हो सकता कि 30 दिन की स्ट्रेटेजी में 15 दिन की स्ट्रेटेजी में सिलेक्शन नहीं होगा भाई, अगर आप 30 दिन और 15 दिन पढ़ के फॉरेस्ट गार्ड बन जाओगे तो जो बंदे 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल से मेहनत कर रहे हैं उनका क्या होगा, ठीक, आप इतने होशियार हो कि आप 30 दिन या 60 दिन में एमपी फॉरेस्ट गार्ड बन सकते हो, तो जो 5 साल से पढ़ रहे हैं 2017 के बाद भर्ती नहीं आई है तो वो क्या करेंगे फिर बताइए, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये नहीं कर सकते कि हम ये छोड़ देंगे या 15 दिन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक, चलो, थैंक यू, आशा करता हूँ जानकारी आपको जो दी गई है वो पसंद आएगी, और इसी विश्वास के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ, जय हिंद, जय भारत।